तो आइए लौटते हैं दिल्ली से लखनऊ की ओर, और फिर बात राज्यसभा की 10 सीटों की, जिस पर महासंग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का रण चल रहा है और इसमें जुगत इस वक्त इस बात की है कि अपनी 9 सीटों को बीजेपी 9 उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा कैसे भेजती है। एक सीट को लेकर, एक उम्मीदवार को लेकर सारा गुणा गणित इस वक्त चल रहा है, क्योंकि 8 सीटें बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिसे लेकर पार्टी आश्वस्त है, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। समाजवादी पार्टी के पास भी एक सीट ऐसी है जो वो राज्यसभा में अपना उम्मीदवार सशक्त तरीके से भेज सकते हैं। बसपा की सीट पर इस वक्त पेच फंसा हुआ है। एके मिश्रा, बसपा क्या करेगी ऐसे में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक हैं अनिल सिंह, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस समर्थन कर रही थी, 7 विधायक भीमराव अंबेडकर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ऐसे में बसपा की स्थिति क्या होगी? नहीं, देखिए बसपा की स्थिति मुझे लगता है ना कोई बहुत ज़्यादा रोल प्लेइंग नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कंटेंड हो गए हैं, इतने ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं कि उनके लिए बहुत लिमिटेड स्कोप है, और जो स्कोप उनके पास है वो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उनके पास मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता है सर। जो मेन इसमें आप एक्टिव देखेंगे, समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा स्कोप है, बीजेपी के पास ज़्यादा, कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिए भी बड़े लिमिटेड ऑप्शंस और स्कोप्स हैं। तो ये वहाँ की सारी डायनामिक्स है, तो बसपा कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है बसपा के बहुत सारे विधायक जो बोल भी रहे होंगे, क्योंकि बसपा की कंडीशन भी अगर आप देखें, जो एक पॉलिटिकल ताकत होती है स्टेट में जो रहती है 2014 के इलेक्शंस के बाद से, बहुत सारे टाइम पे आप देखें तो उनका कोई रणनीतिक बयानबाजी भी उनकी तरफ से नहीं आ रही है, कोई प्लानिंग नहीं आ रही है, तो बहुत कॉन्टेंट तरीके में बहुत लिमिटेड स्कोप उनके पास है, और जो है लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कोप वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे सर कुछ। सैफ अली खान, आपकी तो कोशिश बसपा के, आपके 7 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो समर्थन दे रहे थे, लेकिन ऐसे में अब क्या फ्यूचर होगा? देखिए, हमारे जो 7 विधायक हैं उत्तर प्रदेश के जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में अजीत सिंह आरएलडी के अगर हम बात करें वो भी, प्लस 2 इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं बीएसपी को, तो मैं आपको जो आंकड़े जिसको लेके चल रहे हैं, जो प्रस्तुतियाँ चल रही हैं, उसमें कंफर्म है, जिसमें 1 या 2 सीट का भी फर्क पड़ रहा है, जो मुझे लगता है कि वो भी जो है इन एनी हाउस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इन जो हम 9th और 10th सीट की बात कर रहे हैं, जिसमें जयपर्दा जी का है 9th और 10th भीमराव अंबेडकर का है, तो इन दोनों सीटों को जो है हम रिटेन जो है या हम सपोर्ट करके जो है उसको वो कर देंगे। हमारे 7 विधायक ने बिल्कुल क्लियर है, भीमराव अंबेडकर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अजीत आरएलडी अजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्लस 2 इंडिपेंडेंट राजा भैया जिनका अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी भैया तो बसपा को लेकर मना कर चुके हैं, बसपा यानी कि कांग्रेस अगर बसपा के समर्थन में नहीं तो वो एंटीवाइज हो जाएगा, वो समाजवादी को सपोर्ट करने लगेंगे, समाजवादी के जो है वो फिर इन्हें जयपर्दा की जो उसमें से हैं वो फिर बीएसपी को सपोर्ट कर देंगे। इन्हें हम स्विच करके जो है कहीं ना कहीं इन दोनों सीट्स को 9th और 10th को जो है वो हम रिटेन करने में बिल्कुल कामयाबी जो है वो और कुछ 2 घंटों के बीच में जो है क्लियर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ की जो है कि हम 9th और 10th सीट जो है वो निकाल पाएं। आइए इस वक्त हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ब्रजेश पाठक, राजेश अग्रवाल दोनों सीनियर लीडर्स हैं, उनसे हिंदी खबर ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कहना है। प्रतिक्रियाएं लगातार हमारे पास आ रही हैं, सुनिए। राज्यसभा की वोटिंग चल रही है और जिस तरीके से राज्यसभा की वोटिंग की अंकगणित की बात की जाती है, उस पर हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। राज्यसभा की जो वोटिंग होती है, जो अंकगणित है राज्यसभा की वोटिंग का, क्या लगता है किस जगह पर है भाजपा भी? भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जिस ढंग से विधायकों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रहा है मतदान के दौरान मैंने देखा, और वोटों का अंकगणित भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का नव प्रत्याशी भी चुनाव जीता। नव प्रत्याशी जिस तरीके से आपने कहा जीत रहा है, 28 विधायक आपके पास थे, किस तरीके से, किस उम्मीद पर लग रही है कि आपको कि उस पर जीत होगी, कि क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की गई? मैंने देखा कि जो अखबारों में और मीडिया में चल रहा है कि बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ वो उन लोगों ने तीनों दलों को मिला रहे हैं तब भी उनके पास बहुमत नहीं है, और हमारे पास अतिरिक्त वोटों की संख्या अधिक है, इस आधार पर भी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। कुछ कह रहा है कि जो मुख्तार अंसारी और हरिओम जी को वोट करने नहीं दिया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम लोग कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, उनको भी लोकतंत्र में न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से जो वोटिंग हुई है वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में हो रही है, और जो विधायक है उनकी भी निष्ठा भाजपा की तरफ बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 28 विधायक अभी भाजपा के पास थे और वो संख्या अभी आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।
राज्यसभा के चुनाव शुरू हो गए, जिस तरीके से बात हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, वोटिंग शुरू हो गई है, आप भी जा रहे हैं वोट देने, किस तरीके से देख रहे हैं नवी सीट को, किस तरीके से जीते? नवी सीट नहीं, हम टोटल 9 को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सारी की सारी 9 सीटें जीतेगी। जो विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि खरीद फरोख हो रही है, अब विपक्ष से आप पूछे ये मैं कैसे बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि हम 9 सीटें जीत रहे हैं, हमारा गणित स्पष्ट। नहीं, बसपा के अनिल सिंह आए, उन्होंने भी यही चीज कही कि हम बसपा नहीं जानते कि अनिल सिंह कौन है, आपको पता होगा। हम 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के 9 कैंडिडेट जो खड़े किए हैं वो सब 9 के 9 जीत रहे हैं, ये निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से भाजपा में वोटिंग हो रही है और जिस तरीके से विधायकों की संख्या है, हम ही जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और आइए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ ही देर में राजा भैया भी मतदान करने के लिए जाएंगे। राजा भैया के मत पर सबकी नजर है, क्योंकि 2 वोट उनके पास हैं और विधानसभा पहुंच चुके हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, और विधानसभा परिसर पहुंचकर, क्योंकि वहां तिलक हॉल में मतदान हो रहा है, अब से कुछ ही देर में राजा भैया भी करेंगे मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, अब से कुछ ही देर में मतदान करेंगे राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, क्योंकि 2 वोट उनके पास हैं। और रह रहकर खबरें आ रही थी कि राजा भैया के वोट, 1 वोट के बारे में वो कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को देंगे, लेकिन दूसरे के बारे में उन्होंने कहा था कि वो बसपा के साथ नहीं है। लेकिन अब खबर ये है, कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने धन्यवाद भी कहा है, शुक्रिया कहा है राजा भैया को, और साथ ही राजा भैया भी ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं, वो साफ कर चुके हैं कि उनके 2 मत हैं, तो दोनों मत उनके समाजवादी पार्टी के लिए ही रहेंगे। चर्चा की ओर हम आते हैं वापस, और इस वक्त हमारे साथ हिंदी खबर की न्यूज रूम में हमारे चर्चा के मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी की ओर से अजय शर्मा जी मेरे साथ हैं, राघवेंद्र दुबे सपा की ओर से, सैफ खान कांग्रेस की ओर से, और हमारे राजनीतिक सलाहकार ए के मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, अभी खबर आ रही है कि राजा भैया के 2 वोट आपके लिए हैं, सपा के लिए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब अभी कुछ देर पहले उपापह की स्थिति बनी हुई थी कि उन्होंने कहा था 1 वोट वो सपा को करेंगे, लेकिन 1 पर संशय था क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये तो पहले से उनका था कि बहुजन समाज पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन अखिलेश जी से उनकी बात हुई थी, कल भी बात हुई है, पहले भी बात हुई है, तो वो तैयार थे कि नहीं हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, और बहुत सारा संशय फैलाया भी गया कि जिससे लोगों को लगे, और मैसेज संशय नहीं, वो अभी स्थिति वैसी बनी हुई है, आपको पता है कि होता है चुनाव में ऐसा होता रहता है, और बीजेपी ने तो अपना ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जो आखिर में नितिन अग्रवाल जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, नितिन अग्रवाल जी जहाँ उनके पिताजी जाएंगे तो बेटा भी वहीं जाएगा, तो नितिन अग्रवाल जी हमारे पार्टी में ही थे, अब वो वहाँ पर चले गए हैं, और इनको मुबारक भी हो कि पहुँच गए हैं, तो कम से कम 2 सीट तो कम से कम उन्होंने डुबो दी, जाके जहाँ उनका पैर गया तो कम से कम इनको नीचे तो ले जा रहे हैं। और बीजेपी को आप डूबती हुई नाव कहेंगे, क्योंकि देश भर में इतने राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, जोर तोड़ की राजनीति वो कर ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी देखिए राजस्थान में चुनाव हुए थे लोकसभा के, मैं क्या मान के चलूँ, मैं ये मान के चलूँ कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, राजस्थान में भी ये हारे हैं, ऐसा नहीं है लगातार आए, राजस्थान में हार गए, उत्तर प्रदेश में हार गए, बिहार में भी हार गए, तो ये तो कह सकते हैं कि इनके नाम में छेद शुरू हो गए हैं, और जैसे ही आगे ये धार में जाएंगे तो वो छेद बड़े हो जाएंगे। छेद बंद करने वाले नितिन अग्रवाल, ये छेद बंद करने वाले सब आप ही के लोग हैं सर? नहीं, वो छेद से जाकर छेदों पे उंगलियां रख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये उस छेद से निकल के सीधे समुद्र में चले जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कम से कम इतना था, इन लोगों का तब भी सम्मान था, अब ये बड़ी पार्टी में जहाँ पहुँच गए हैं, अब वहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और मुख्य जगह पर हार रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो इनके हिंदुत्व के बहुत बड़े अलंबरदार थे, जिन्हें कहते हैं ध्वजावाहक, जिनका ये चेहरा आगे रख करके आगे बढ़ा रहे थे हिंदुत्व को, वो ही लोग उसमें मात खा गए, तो अब इनको लग रहा है, दोबारा कह रहे थे, अभी योगी जी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा अगर मस्जिद में बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, तो मैंने कहा कि अगर ये अगर 2-4 चुनाव और हार जाएं, कहीं 2-4 सीट और हार जाएं, तो कह देंगे मैं टोपी लगाने को भी तैयार हूं, तो ये इनकी राजनीति है, जिस तरीके से ये राजनीति मुलायम सिंह ने तो सिखाई है सर। देखिए, हमने तो ये कहा कि सारे धर्मों का आप पालन करिए, सारे धर्मों का सम्मान करिए, आप शपथ ले रहे हैं संविधान की, और संविधान की शपथ लेने का मतलब कि हर धर्म का हम आदर करेंगे, आप अपने धर्म को तो मानिए, लेकिन दूसरे धर्म से आप विद्वेष नहीं रखिए, लेकिन अगर आप सारी चीजें हिंदुत्व पे डाल देंगे, अभी चुनाव आ जाएगा
आएगा तो आप कहेंगे राम मंदिर की बात करेंगे, चुनाव आएगा हिंदुत्व की बात होगी, फिर गाय की बात होगी, फिर लव जिहाद की बात होती, आप ये क्यों नहीं बात करते। आप अभी मथुरा में होली, वहाँ पे बरसाना में होली खेलने चले गए, अखिलेश जी ने तो 4000 करोड़ दिए थे कि वहाँ की जो गलियां हैं वो ठीक हो जाए, वहाँ के पार्क ठीक हो जाए, वहाँ के घाट ठीक हो गए, उन्होंने पैसा दिया था। आप हिंदुत्ववादी नेता हैं, आप वो आ गए होली खेले आ गए, केवल आप जनता को तो बताना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं कि देखिए हम होली खेल रहे हैं, हम इतने बड़े हिंदुत्ववादी हैं। हिंदुत्ववादी हैं तो आपको 10,000 करोड़ का वहाँ ऐलान करके आना चाहिए था कि जिससे वो धर्म नगरी का और सुंदरीकरण हो जाता। ये अंतहीन बहस है, आरोप प्रत्यारोप की बहस अंतहीन होती है जी। सैफ साहब, ये जो है अभी डूबती नाव कहा जा रहा है बीजेपी को, नितिन आपने कहा कि छेद शुरू हो गए हैं, नितिन अग्रवाल जैसे लोग या उनके पिताजी जो हैं ये ऐसे लोग हैं जो उन छेदों को बंद करने का काम ही तो कर रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले अगर मैं इनकी शुरुआत बोलूँ तो गुजरात में हो चुकी थी, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी विधानसभा हारे, हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी विधानसभा गुजरात में हारे, उसके बाद जो मौजूदा एग्जांपल है उत्तर प्रदेश में आपको जो सीएम गोरखपुर अपनी सीट हारे 5 मरतबा जीती हुई जो है, फिर इनके डिप्टी सीएम जो है वो अपनी सीट फूलपुर से हारे। तो यानी इनकी जो छेद होने की बात हो रही है, मुझे कहने का मकसद ये, अब ये डूबती नाव इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 80% बाई इलेक्शन इस देश में जो हुए हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। तो यानी ये लगातार जो है, ये ग्राफ अगर आप इनका देखेंगे जहां वो बढ़ रहा था वो अब वो नीचे घटना शुरू हो गया। हाँ ठीक है, ये इसके ऊपर शाबाशी जरूर लेते हैं कि हम जो है हर जगह सरकार बना रहे हैं, और मेघालय में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे 21 विधायक जो जीत के इनके 2 इन्होंने सरकार बना ली, वैसे मणिपुर में जो है इनके 21 हमारे 28 मगर इन्होंने अपनी सरकार बना ली, गोवा में हमारे 19 इनके 14 भारतीय जनता पार्टी के मगर इन्होंने सरकार बना। ये मुमकिन कैसे हो पा रहा है, ये तो तारीफ की बात है भाई। तो नहीं तारीफ की कहां बात है, ये खरीद फरोख की बात, हमारी डेमोक्रेसी के लिए जो है ये बहुत खतरनाक बात है। आप अगर ये खरीद फरोख की राजनीति करते हैं तो दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, ये खरीद फरोख है। आप खरीद रहे हैं दूसरे लोगों को जो है अपने, इनके पास अपने पहलवान तो होते नहीं है वैसे भी, जो इंपोर्ट की पॉलिसी जो है ये इन्होंने पहले से अपना रखी है, अगर इनके पास पहलवान ना हो तो उसे इंपोर्ट कर लो, जिनके ऊपर ये पहले कीचड़ फेंकते हैं उसी को ये फिर इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर वो जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। वैसे ही जो अपने ये मंदिर की बात करते हैं आप, मुझे ये इन 4 साल में केंद्र में एक मुझे कोई ऐसा मंदिर बता दीजिए जो उन्होंने स्थापना करवा दी। अगर इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करूं तो हमने 200 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना करवाई है। सबसे बड़ा हनुमान मंदिर 1993 में आंध्र प्रदेश में हम महादी सरकार में बना था। चलिए लौट के आ रहा हूं। हमने हर कौमों के लिए किया है, हमने अगर मुस्लिम्स की बात करें तो हमने जो है उनको, ठीक है एक खबर लेने दीजिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रतापगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो अभी अभी मिल रही है, और ये है ट्रक और टेम्पो के बीच में भीषण टक्कर हुई है। इस वक्त प्रतापगढ़ से खबर बता रहे हैं 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, ये चिंता का विषय है। प्रतापगढ़ में इस वक्त एक हादसा हुआ है ट्रक और टेम्पो की टक्कर में, 10 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। दुखद हादसा हुआ है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। प्रतापगढ़ में हादसा हुआ है, ट्रक और टेम्पो की टक्कर हुई है और टेम्पो की हालत आप देख सकते हैं, भीषण हादसा था। धीरेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हिंदी खबर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेंद्र, कैसे हुआ यह हादसा? धीरेंद्र, यह हादसा कैसे हुआ? तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे प्रतापगढ़ से, जहां पर यह हादसा हुआ है ट्रक और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। राज्यसभा की सीटों को लेकर इस वक्त जो दंगल चल रहा है पूरे देश भर में, 58 सीटें, 33 निर्विरोध चुने गए राज्यसभा के सदस्य, बाकी 25 के लिए जंग जारी है। 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, 8 बीजेपी जिसमें विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, 1 सीट पर 9वीं सीट पर बीजेपी की माथापच्ची लगातार जारी है, समाजवादी पार्टी की 1 और 1 बहुजन समाज पार्टी की सीटें। और आइए इस वक्त प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, लखनऊ से हमारे पास लगातार प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, सुनिए इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी को सुनिए और अदिति सिंह क्या कह रही हैं ये भी सुनिए। राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, इस पर हमसे बात करने के लिए प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है, भाजपा ने अपना नवा प्रत्याशी उतारा,
28 संख्या उनके पास भी है, किस तरीके से लगता है सर क्या ये चुनाव किस तरीके से हो पाएगा और आपकी क्या स्थिति लगती है? हम इसलिए जीत रहे हैं कि उन्हें 28 से 37 पे आना है और हमें 35 से 37 पे जाना है, इसलिए हम जीत रहे हैं। सर विधायक टूटे हैं बहुत सारे, बसपा की अगर बात की जाए तो अनिल सिंह ने भी जो बात आ रही है भाजपा को वोट किया, तो इस तरीके से किस तरीके लगता है कि आपकी जीत हो पाएगी? आप बहुत सारे में अनिल सिंह के अलावा कोई दूसरा नाम बताइए। और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी, फिर कह रहा हूँ आपसे ना, निर्दलीय तो हमको हमने जोड़ा भी नहीं था अपने साथ। बसपा सापा कांग्रेस में किसी विधायक का नाम तो बताइए। बसपा में जिस तरीके से था और बसपा सपा ने निर्दलीय विधायकों को भी जोड़ा हुआ था अपने साथ, जोड़ के तो इसीलिए कह रहा हूँ 28 उनका, 29, 30, 31, 32, 32 के ऊपर गिनाइए। तो क्या लगता है आपको उम्मीद की सर जब वोटिंग के बाद क्या है कि सेकेंड राउंड में बसपा का प्रत्याशी जीत जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे प्रमोद जी जिनका साफ ये कहना था कि जो जिसको उन्होंने सपोर्ट किया, जिस तरीके से बसपा को उन्होंने सपोर्ट किया है, सेकंड राउंड में नवी सीट पर बसपा की ही जीत होगी। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। उत्तर के लिए मतदान शुरू हो गया है, सभी एमएलए एमएलसी विधानसभा के तिलक हॉल में मतदान करना शुरू कर दिए हैं। इस पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह मौजूद हैं। मैम आपने भी वोट किया, अगर बात की जाए कैलकुलेशंस की, क्योंकि जिस तरीके से आप बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से सपोर्ट होगा संख्या बल के साथ? देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं जिनका हमने समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है, सपा के भी जो अन्य विधायक हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, 100% यहाँ से जीत के जाएंगे, राज्यसभा मेंबर बन सदस्य बन के जाएंगे। और जो अगर आप जोड़ तोड़ की बात करें तो बेशक सब लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हाँ मान लीजिए कोई सपा का टूट गया या बसपा का टूट गया, ये भी तो संभावित है कि वहाँ के भाजपा के कुछ लोग टूट के आ गए हों, तो ये तो राजनीति है। तो क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि कोई बसपा या सपा का कोई टूटा नंबर्स? हाँ मैम हो सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब पोलिंग खुले, जब हम लोग को जब एक्चुअल मतगणना हो और रिजल्ट्स बाहर आए, तो इस पर टिप्पणी करना थोड़ा इस समय मुश्किल है, जो सच बात है। कुछ विधायक देखे गए जैसे बसपा का आप सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बसपा के विधायक देखे गए जो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, 5KD गए थे, क्या? देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शायद उनका टूटने का कोई वो ना हो, कोई इरादा ना हो, पर अगर माननीय मुख्यमंत्री आपको बुलाएं तो औपचारिक रूप से आपको जाना भी चाहिए, है ना, और शायद कोई और बात हो, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो इससे बस आप ये टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो टूट के उधर चले गए हैं। कल को अगर कोई बड़ा नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे अगर आपको बुलाएं, आपको याद करें, तो ये भी सही है कि आपको जाके उनसे मिलना चाहिए। दो विधायकों को वोट करने को आज नहीं दिया गया है, मुख्तार अंसारी और हरिओम यादव जी वोट करने नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है कुछ अंतर पड़ेगा इससे? देखिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बहुत गलत हुआ है और जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं हमारे देश के उनके बिल्कुल एक खिलाफ जाता है। मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ क्योंकि वो चुने हुए विधायक हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनकी संवैधानिक राइट है कि उनको वोट करने का को मिले, वोट करने का उनका अधिकार है, तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया, पूरी तरीके से उनको वोट करने को नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह जी जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से जो संख्या बल के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो बसपा का कैंडिडेट जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही वो ही जीतेगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और हरिओम यादव को वोट करने नहीं दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त जो हमें मिल रही है, सीएम योगी से मिलने के लिए राजा भैया पहुंचे हैं। लीजिए एक और बड़ी खबर, रघुराज प्रताप सिंह सीएम योगी से मिले हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा में सीएम से मुलाकात की है, दफ्तर पहुंचे हैं राजा भैया विधानसभा में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर पहुंचे हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वही चर्चा की ओर बढ़ते हैं, कम समय है लेकिन कम समय में जल्दी से जवाब दे दीजिए आप राघवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आप मैं ये कहना चाहता हूँ हम ये जीतने जा रहे हैं और इन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि विकास की बात कर लो, बहुत सारी इधर नहीं, लेकिन राजा भैया मुलाकात करने पहुंच गए हैं। ये राजा भैया है भाई, मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, जब हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो सारे। अभी भी आप स्वीकार नहीं करेंगे कि एक और वोट आपका खिसक गया? राजा भैया ने खुद बयान दे दिया है कि नहीं वो सपा को उन्होंने वोट किया है, तो उनकी बात पे विश्वास कर लो, पहले भी लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने कभी इस तरीके की कोई धोखाधड़ी कभी की नहीं है, और उन्होंने जिस पक्ष में भी जाना होता है तो खुल के जाते हैं, कोई उसमें दुविधा वाली बात है नहीं। तो राजा भैया हमें निश्चित रूप से वोट करने जा रहे हैं और आप नतीजों का इंतजार करेंगे आप भी? देखिए सबसे पहली चीज़, राजा भैया जब वहाँ पे गए सबसे पहले वो अखिलेश यादव जी से मुलाकात की उन्होंने,
अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद जो है अपनी सपोर्ट दिखाने के बाद जो है बाकायदा वहाँ उनकी स्टेटमेंट उन्होंने दी है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद जो है वो अब गए हैं मुलाकात करने। ठीक है, अच्छी बात है कि उनसे मुलाकात करना, सीएम साहब उन्होंने बुलाया होगा जरूर आई एम श्योर, और उनसे अगर मुलाकात करने के लिए गए, मगर इंडिकेशन जो है मैं ज़रूर ये दे सकता हूँ कि पहले मुलाकात अखिलेश यादव जी से हो चुकी है और उसके बाद पहले खबर ये भी आई कि अमित शाह जी से ही फ़ोन पर बात हुई है, अब सीएम से मुलाकात हो रही है। आप लोग इस मुलाकात के मायने नहीं निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए मुलाकात करना आपका सबका हक है, चुनाव आप चुनाव है, आप किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, मगर इंडिकेशन की तरफ से क्लियर है। और आज के अगर आप हम चुनाव की अगर बात करेंगे तो आप मायावती जी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा में उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जो है वो नहीं की है। पहली बार वो भीमराव अंबेडकर जी को सामने लेके आई हैं और अपनी तरफ से उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ना वो मेंबर ना राज्यसभा की वो मेंबर बन रही हैं। तो हमें आज जो है ये देखने को मिल रहा है कि वो भी जो है पीछे से बैकअप वगैरह कर रही हैं, खुद ना मेंबर बनते हैं, यानी बहुत बड़ी एक सेक्रीफाइस उनकी तरफ से एज ए बीएसपी के सुप्रीमो होते हुए। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ की कि जो है इसके परिणाम जो है हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, या हम अगर कर्नाटका की या बाकी के अगर सीट्स की भी बात करेंगे, आप पहले इनसे अपनी राय ले। एक फाइनल कमेंट जल्दी सर। मेरे दोस्त ने कहा कि मायावती जी बहुत एफर्ट्स कर रही हैं और उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी सीट का। मेरा ये कहना है उन्हें परिणाम पता था कि निश्चित रूप से हमें सीट हारेंगे, इसलिए अपने आप को बचा के रखा और अंबेडकर जी को आगे। इस मुलाकात पर कहने की आवश्यकता नहीं है, सपा बसपा कांग्रेस तीनों कितनी भी मेहनत कर लें, जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। इनके एफर्ट्स सब वेस्ट जाने वाले हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास वोट थी, सबसे ज्यादा लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और 4 बजे परिणाम आ जाएगा निश्चित रूप से भारतीय कुछ ही देर में जी। नहीं देखिए, अभी जो मेरे मित्र लोग बोल रहे थे मायावती ने खुद क्यों नहीं वो किया, और राजा भैया का मैं बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप हार्डकोर एक लॉयल मेंबर हैं अपनी पार्टी के तो आप चुपचाप जाते, सुबह वोट दे आते। इतनी सारी चीज़ें जो आप सुबह से कर रहे हैं, कभी ट्वीट हो रहा है, रीट्वीट हो रहा है, 10 बार बदल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, तो ये चीज़ देखिए इसके मकसद दो हैं, या तो दिन भर जो है मीडिया को हाईजैक करना चाहते हैं राजा भैया इसी बहाने कि हम मीडिया पर बने रहें और चारों जगह हमारी चर्चा होती रहे, या फिर ये है कि अभी भी उनका जो डायलेमा है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो डिफरेंट है और वो हर जगह टटोल रहे हैं कि मुझे कहाँ क्या बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ अगर मायावती जी का देखें तो मायावती जी ने क्यों नहीं अपना नॉमिनेशन किया, क्यों नहीं वो मैदान में उतरे, इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। डेफिनेटली एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि हाँ भाई हो सकता है जीत निश्चित है कि नहीं है, क्योंकि बड़े और दिग्गज लीडर जो हैं वो तभी उतरते हैं जब उनकी जीत निश्चित होती है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि जो विपक्ष है जिस हिसाब से चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए स्ट्रेटजिक वे में, रणनीतिक वे में, वो उतना नहीं ले रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 2014 के बाद सारी सिचुएशंस चेंज हो गई है, माइक्रो लेवल पे इन लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं और यहाँ जो भी कयास लगाए जा रहे हैं नतीजे उन कयासों पर विराम लगा देंगे। इसी के साथ इस पेशकश में बस इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।